महीने बाद लखनऊ में स्कूल आज फिर से खुले। फिलहाल स्कूलों में 9वीं से 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस लगाई जा रही है। स्कूलों में कोरोना से बचने के लिए प्रोटोकॉल तय किया गया है। स्क्रीनिंग, सैनिटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जा रहा है। मौजूद है लखनऊ से मेरे साथ मेरे सहयोगी जय शुक्ला मौजूद है। इसके अलावा नोएडा से मेरे साथ मेरे सहयोगी ललित मौजूद है। ललित, मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले जय मैं आपके पास आना चाहूंगी। अगर राजधानी लखनऊ की बात कर ली जाए तो किस तरीके की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि लंबा इंतजार तो स्टूडेंट्स ने भी किया। हालांकि ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई तो हो रही थी, लेकिन फिजिकली क्लासरूम में जाना, वहां पर बैग्स के साथ किताबों को निकालना, वहां पर अपनी जो भी क्वेरीज है उसको सॉल्व करवाना टीचर से, उसकी एक अलग बात होती है, उसके अलग इंपॉर्टेंस है। वहां की अगर बात करें तो वहां पर पहले दिन आपको किस तरीके की तस्वीर नजर आ रही है? हाँ बिल्कुल, आपको बता दें प्रिया की जिस तरह की यहाँ की जो तस्वीरें हैं, पहले तो आपको बताना चाहेंगे राजधानी लखनऊ का ग्रामीण क्षेत्र है और ये एक इंटर कॉलेज है जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और यहाँ हमारे पीछे देख रहे हैं कि बच्चे आ रहे हैं, बच्चों के आने के लिए यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से गोले बनाए गए हैं जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जाए। साथ ही बराबर में देख रहे हैं टेबल लगी हुई है जहाँ पर जो यहाँ स्कूल का स्टाफ है वो लगातार बच्चों से जो उनके अभिभावक का जो अनुमति पत्र है जिसमें बाकायदे अभिभावक परमिशन दे रहे हैं कि बच्चे स्कूल आ सके, वो यहाँ पर जमा किया जा रहा है, उनका फोन नंबर लिया जा रहा है। वही साथ में जो बाकी और चीजें हैं जैसे हैंड सैनिटाइजर हो गया और थर्मल स्कैनर हो गया, वो भी है। लगातार बच्चों की एंट्री होते ही ये सारी चीजें प्रक्रियाएं यहाँ पर की जाती हैं, तभी बच्चों को अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। किसी भी बच्चे का अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो उसको यहाँ से घर के लिए वापस भेज दिया जा रहा है। और ये भी बता दें कि आपको आज से जो बच्चों की कक्षाएं हैं वो दो पालियों में चलेंगी, जिसमें कक्षा 9 से कक्षा 10 के बच्चे पहली पाली में आएंगे और कक्षा 11 और 12 के बच्चे दूसरी पाली में आएंगे। फिलहाल 8:40 से लेकर के और 11:40 तक पहली पाली चलेगी और दूसरी पाली 12:20 से और 3:20 तक चलने के लिए निर्देशित किया गया है। बराबर यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखने के निर्देश दिए गए हैं स्कूल प्रशासन द्वारा, उसका भी अनुपालन किया जा रहा है। हर एक कक्षा में 6 फीट की दूरी बनाकर बराबर बच्चों को बिठाया जा रहा है, एक डेस्क पर सिर्फ एक ही बच्चा बैठ रहा है। तो इस तरह के तमाम वो जो कोरोना प्रोटोकॉल्स हैं, जो निर्देश दिए गए हैं, जो गाइडलाइन दी गई हैं, उनका पालन करते हुए स्कूलों को अनुमति दी गई है कि वो बच्चों को पढ़ा सके। हालांकि अभी 50% ही बच्चे आने के लिए ये परमिशन दी गई है। हम आपसे बात कराना चाहेंगे, यहाँ के जो प्रिंसिपल है प्रधानाचार्य है उनसे ही बात कराना चाहेंगे कि आखिर किस तरह की यहाँ पर पूरी तैयारियां की हुई। सर, इंडिया न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस तरह से लगभग 7 महीने बाद स्कूल खुला है, शर्त खोले गए हैं, अब किस तरह की आप लोग जो वो है सावधानियां? मान्यवान, विद्यालय खोले जा रहे हैं COVID-19 के अंतर्गत जो प्रोटोकॉल है उसका पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। खासतौर से पूरे परिसर को साफ सफाई की गई है, सैनिटाइजर कमरों को किया गया है और हर छात्र 1 बेंच 1 स्टूडेंट बैठे, 6 फुट की दूरी क्लास में भी बनाई गई है। अभी आधे ही बच्चे बुलाए गए हैं और अभी पहली पाली में कक्षा 9-10 और दूसरी पाली में कक्षा 11 और 12 छात्र बुलाए गए हैं। 6-6 फुट पर गोले बनाए गए हैं, गेट से कुछ दूर पर ड्रिल डाली गई है कि ताकि उन्हीं छात्रों को प्रवेश दिया जा रहा है जिनके अभिभावकों ने उनको अनुमति दी है और उसके बाद में उनका पता और उनका मोबाइल नंबर और तापमान अंकित किया गया है। सर, जो स्टाफ है, स्टाफ को किस तरह की गाइडलाइन बताई गई है, किस तरह से पालन करके बच्चों को पढ़ाएंगे जो अध्यापक हैं? देखिए, अभी आधे आधे बच्चे बुलाए गए हैं, अभी ये 20-20 बच्चे हम एक एक कमरे में बिठाए हैं और जैसे कक्षा 9 में 2 सेक्शन है तो दो विषय अगर दो टीचर पढ़ाते हैं तो एक साथी उनको पढ़ा लेंगे और ऑनलाइन क्लास जो नहीं आ रहे हैं उनकी चालू रहेगी कि ताकि किसी प्रकार से उनके बच्चों को कोई नुकसान न होने पाए। बच्चों को बाध्य नहीं किया जा रहा है, नहीं नहीं वो स्कूल की आए, अगर उनके गार्जियन अनुमति देते हैं और उनको ठीक लगता है हाँ तो वो हम विद्यालय हमारे आए उनका स्वागत। प्रिया, यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर ही बच्चे स्कूल भेजे जा रहे हैं। हालांकि हमने बच्चों से बात की तो उन्हें एक अलग सी उत्सुकता दिखी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है तो बच्चों का साफ तौर पर कहना है कि हमारा बोर्ड एग्जाम है इसलिए स्कूल खोलकर सरकार ने काफी अच्छा काम किया। एक तरह का एक बच्चों में अलग ही वो देखने को मिला कि अब उनकी पढ़ाई होगी, पढ़ाई जो जतिन भी मौजूद है उन्होंने जो बच्चों से बातचीत की थी तो बच्चे इसको लेकर बहुत ज्यादा उत्सुक नजर आए थे। बच्चे खुश है कि स्कूल जो है वो लंबे इंतजार के बाद खुल चुके, कॉलेजेस में वो जा सकते हैं। मैं नोएडा का रुख करना चाहूंगी।